अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोइयों के हवाले से ग़ज़वा हिंद का मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम इसकी 21st एपिसोड जो है ना वो देखेंगे, और मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक। दरियाए अटक काफरों के खून से तीन मरतबा यक बार भर के जारी होगा। आजकल आप देख ही रहे हैं कि चाइना के और इंडिया के क्या हालात हैं, और किस बुरी तरह से जो है ना वो इंडिया वहाँ फंसा हुआ है। उसके लिए भागने का अब कोई रास्ता नहीं है, और इंशाल्लाह और भी हकीकतें अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों पे आयां होना शुरू हो जाएंगी कि क्या उनके अजाइम थे और क्या उन लोगों के साथ अब हो रहा है। फाइनली दरियाए अटक काफरों के खून से तीन मरतबा यक बार भर के जारी होगा। दीन और ईमान के बदख्वाह लोग जान से मारे जाएंगे, यानी जो दीन और ईमान से बेबहरा होंगे वो लोग मर जाएंगे, सारे जान से मार दिए जाएंगे। तमाम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से पाक हो जाएगी, पाकिस्तान हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेगा। मुसलमान अल्लाह ताला के लुत्फ़ो फ़ज़ल से खुश हो जाएंगे, और तमाम हिंदुस्तान हिंदुआना रसूम से पाक हो जाएगा। ये मैं आपको बुज़ुर्गों की पेशन गोइयाँ सुना रहा हूँ कि जिनकी जो है ना वो अल्लाह पाक ने हर बुज़ुर्ग को अपने ख़ास इल्म में से इल्म दिया होता है, तो उसके ज़रिए से वो बता रहे थे। और इन पेशन गोइयों को करीबन 850-900 साल हो गए हैं। जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयाँ की थी वो सारी की सारी आज तक सही साबित हुई हैं। कोई भी अल्लाह पाक ने जो है ना उनकी पेशन गोई गलत साबित नहीं होने दी। जो कुछ होता है वो अल्लाह के चाहने से इरादे से ही होता है, इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकता। ये देखें जी, इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस आप देख रहे हैं, स्टैट्स 24/7 चलते रहते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। ये लास्ट मैंने जो एक दो वीडियो बनाई हैं इसमें ज़रा कंप्यूटर रिलेटेड थी कि कैसे अपनी कोई ओल्ड पिक्चर हो तो उसको आप न्यू कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड चेंज करना हो स्क्रीन का तो वो आप चेंज कर सकते हैं। और हाँ, ये जो नई मैंने बिल्कुल वीडियो बनाई है कि आपकी विंडो जो है ना सी ड्राइव स्लो हो जाती है जब हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, उसको कैसे क्लीन अप किया जाए, उसके 4 से 5 या 6 मेथड हैं जो मैंने आपको समझ के और आगे डिलीवर किए हैं। इनको ज़रूर देखिएगा, इसका भी सिस्टम स्लो चलता हो तो इंशाल्लाह उसका सिस्टम जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा ये नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयाँ जो हैं ये सबसे ज़्यादा हॉट केक मेरा यही है, सबसे ज़्यादा यही देखी जाती हैं और लोग इसे बड़े शौक से देखते हैं, तो इसीलिए मैंने इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया कि मुसलमान अल्लाह ताला के लुत्फ़ो फ़ज़ल से खुश हो जाएंगे और तमाम हिंदुस्तान हिंदुआना रसूम से पाक हो जाएगा। यानी पूरे का पूरा हिंदुस्तान, जिसको कि उन्होंने अपनी तरफ से महाभारत बनाना है, खंड भारत बनाना है, वो तमाम का तमाम जो है ना वो हिंदुआना रसूम से पाक हो जाएगा, और अल्लाह पाक जो है ना वो मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाएंगे। इंशाल्लाह तो होना क्या है, लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि आजकल जो है ना वो लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसमें से सही चीज़ जो है ना वो निकाल सकें। आजकल के अक्सर लोगों का एतराज़ ये होता है कि मीडिया से अगर हम दीन सीखेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे, और आई थिंक उनका काफ़ी आता कि दावा ठीक भी है, क्योंकि मीडिया पे जितने भी लोग बैठे हैं
वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है ना वो कंट्रोल्ड होते हैं, और वो उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं बोल सकते जिनके अंडर वो होते हैं। लेकिन आपको इन सब में से ही पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करना होगा कि क्या सही है, वो एक्सट्रैक्ट करके तो फिर आपको जो है ना खुद से फैसला करना होगा। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, उनके मुख्तलिफ़ रेट होते हैं, एक दुकान से, दो दुकान से, तीन दुकान से हम पता करते हैं। उसके बाद जो हमें सबसे बेस्ट लगता है, जो रीज़नेबल लगता है, हम वो परचेज़ करते हैं, अपना नुकसान नहीं करते। जो सही चीज़ होती है वो हम परचेज़ करते हैं ताकि ना अपना नुकसान हो और ना जो है ना वो किसी और का नुकसान हो। ठीक है जी, तो इस सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, तो हम आगे दोबारा पढ़ते हैं जी। पंजाब शहर, लाहौर, मुल्क कश्मीर, नुसरत शुदा गंगा और जमुना शहर बजनौर पर मुसलमान गालबाना कब्ज़ा करेंगे, ये अल्लाह पाक के चाहने से ये सब कुछ होगा। और पंजाब शहर, लाहौर, मुल्क कश्मीर, नुसरत शुदा गंगा और जमुना शहर बजनौर पर मुसलमान गालबाना कब्ज़ा करेंगे। गर्बिस्तान का बादशाह हथियारों और असलहा के ज़ोर पर फतह हासिल करेगा और काफिर कौम को ऐसी शिकस्त ज़ाहिर होगी जो वहमो गुमान से भी बाहर होगी। यानी उनके वहमो गुमान में भी ये नहीं है और वो ये समझते हैं कि शायद जो है ना हम ही सबसे बड़ी और सुपर पावर हैं, हमें कोई भी जो है ना इस दुनिया में अब हरा नहीं सकता क्योंकि हम सुपर पावर हैं और हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो चाहने वाले बहुत से हैं, तो इसलिए हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अल्लाह पाक हमेशा जो है ना वो काफिर जो होता है उसकी रस्सी दराज करता है और फिर उसको सडनली ऐसे पकड़ता है कि वो खुद भी हैरान रह जाता है कि मैं ऐसा भी हो सकता था कि ताकत भी मेरी, महल भी मेरा, मुलाजिम भी मेरे, मर्ज़ी भी मेरी, और मूसा अलैहि सलाम जो है ना वो जीत गए। कैसी अल्लाह पाक की जो है ना वो करम नवाजी थी कि अल्लाह पाक ने फिरौन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहि सलाम को उनके जादूगरों के सामने कामयाबी दी और उन जादूगरों को समझ आ गई कि ये जो था ये सब हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने किया, ये हक क्या, ये सच है। लेकिन उस को नहीं ये बात समझ आई कि जो हज़रत ईसा मूसा अलैहि सलाम फरमा रहे हैं वो ठीक है, वो इसी जोम में था कि नहीं, बल्कि उसने तो यहाँ तक कह दिया उनको कि मैं तुम्हारे हाथ और पांव जो है ना उनको भी कटवा दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी। लेकिन उनको पॉइंट समझ आ गया था कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम जो है ना वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और जो उनका कहना है वो बजा है और जो ये कह रहा है वो ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने जो है ना वो उनकी फ़िरौन की बात नहीं मानी और हज़रत मूसा अलैहि सलाम की बात मानी। तो अल्लाह पाक जो है हर दौर में हर दफ़ा ऐसा होता है और होता रहेगा। आज के दौर में अगर हम देख लें तो हम एज अ मुस्लिम हर तरह से उनसे पीछे हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल को शायद हमारी नौजवान नस्ल तो कभी पढ़े ही ना, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझें, वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने जो है ना उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च की, उनको पढ़ा, उनको सुना मुख्तलिफ लोगों से कि वो अल्लामा इकबाल जो 1896, 97, 98, 99, 1900 इंग्लिस्तान, वो जहाँ जर्मनी तालीम लेने गए थे वहाँ जाने से पहले वो क्या थे और बाद में वो क्या हो गए और वो क्यों हो गए, कैसे उनको ये सारा पॉइंट समझ लग गया कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर अगर है तो वो शमशीर पे, हथियारों पे, टेक्नोलॉजी पे भरोसा करता है, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, अगर मोमिन है तो बगैर तलवार के भी लड़ सकता है, लड़ता है। 9/11 के बाद से लेकर आज 20 साल हो गए, कैसे अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी और नुसरत अदा की।
और कैसे जो है ना वो अमेरिका वाले भाग के जा रहे हैं। इन सब पॉइंट्स को, इन सब बातों को यंग जनरेशन समझे और फिर इनसे कुछ नतीजा अखज करें। मैं अक्सर जब बच्चों को समझाता हूँ, एकेडमी में भी, स्कूल में भी बच्चे पढ़ने आते हैं, घर में भी पढ़ने आते हैं, तो उनको यही बात समझाता हूँ कि जिस तरह पज़ल गेम होती है ना, जंग अखबार में या किसी और अखबार में छोटे बच्चों को एक गेम दी जाती है जिसमें डॉट 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 लगाए जाते हैं, इस डॉट को उस डॉट से मिलाओ, इस डॉट को उस डॉट से मिलाओ, इन सब डॉट्स को जब मिला लोगे तो उसके बाद जो है ना एक तस्वीर बनेगी। तो ज़िंदगी भी हमारी डॉट्स हैं, जो जो हमारी मालूमात हैं उन सबको हम इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद फिर उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करें। थिंग इज़ दैट एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है, नतीजा निकालें, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमने क्या करना है। अगर मुसलमान का मकसद पूछा जाए, मकसद मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन के सरफराज, बस अल्लाह पाक का दीन सरफराज हो जाए। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज, मेरा जीना मरना मुसलमान होना भी सिर्फ इसीलिए है और कोई वजह नहीं है। तो हम इन पॉइंट्स को, इन पैरामीटर को समझें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको जो है ना वो इसकी तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।